हेलो एंड व्हाट इज अप गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो वेलकम टू स्टॉक ट्रेडर आज मैं फिर से लेके आ गया हूं ऐसा एक तीन स्टॉक्स जो आप मंडे के लिए ट्रेड कर सकते हैं प्लस दो ऐसे पोजिशनल स्टॉक्स के बारे में आज मैं डिस्कशन करने वाला हूं जिस पे आप अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हो विद इन सिक्स टू वन ईयर का टाइम फ्रेम सिक्स मंथ टू वन ईयर के आपके टाइम फ्रेम में इन्वेस्टेड रहना है आपको और आप अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हो तो पहले शुरुआत करते हैं तीन ऐसे इंडरटे स्टॉक्स जो आप कल ट्रेड कर सकते हो एंड फिर मैं आपको पोजिशन और पिक्स भी बताऊंगा एंड मेक श्योर प्लीज हिट दैट लाइक बटन अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो प्लीज गाइज अप्रिशिएट द वीडियो बाय क्लिकिंग ऑन द लाइक बटन आप कमेंट पे बताओ आपको कौन से स्टॉक्स का रिव्यू चाहिए आई विल रिव्यू दैट स्टॉक्स देश इट्स फंडामेंटल्स टेक्निकल्स मैं uh, सारा बैलेंस शीट उसका चेक करके आपको बता दूंगा अगर आपको कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज गाइज वीडियो को लाइक like कीजिए वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज शेयर दिस चैनल इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड सो आइए आज शुरुआत करते हैं लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट पिक दैट इज जे एस डब्ल्यू स्टिल तो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि फ्राइडे को जे एस डब्ल्यू स्टील्स के आर थेरी गुड नंबर्स नंबर्स आर आर गुड गुड इफ यू कंपेयर दैट फ्रॉम द वेरी बहुत ही अच्छे रिजल्ट एंड बेस्ड ऑन दैट आई थिंक जे एस डब्ल्यू स्टील विल गेन टूमारो क्या पता ये कल खुले ही टू टू थ्री परसेंट के गेन से सो जे एस डब्ल्यू स्टील को हम लोगों को ट्रैक करना है माई फर्स्ट पिक विल बी जे एस डब्ल्यू स्टील सेवन ट्वेंटी सेवन फिफ्टीन ये दो लेवल्स है सेवन फिफ्टीन से लेके सेवन ट्वेंटी आप इस स्टॉक को एक्मेट कर सकते हैं इस रेंज में आपको एंट्री लेना है सेवन ट्वेंटी के अराउंड अगर आपको एवरेजिंग करनी है इंटर डे में तो आप सेवन फिफ्टीन में भी एंट्री कर सकते हो जस्ट एंटर दिस स्टॉक विद इन दिस रेंज और अगर ये बहुत ही ज्यादा गैप अप खुल जाए तो आपको वेट करना है फॉर अ शार्प डाउनफॉल सो दिस विल माई माई स्ट्रेटेजी फॉर जे एस डब्लू स्टील आपको एंट्री लेना है सेवन ट्वेंटी पे सेवन ट्वेंटी विल बी माई एंट्री पॉइंट विदॉप लॉस ऑफ सेवन जीरो नाइन आपको वन परसेंट का आपको रिस्क रहेगा इसमें एंड आपका टारगेट काफी अच्छा कल बन सकता है अगर इसी लेवल्स पर खुले तो बिकॉज जे एस डब्ल्यू स्टील के नंबर्स आर प्रेटी गुड चाइना प्लस वन का जो अभी चल रहा है इकोनॉमी में सो दैट इज ऑल्सो अवज एडवाटेज फॉर द मेटल एंड द स्टील इंडस्ट्री प्लस चाइना के रिजर्व्स जो र्यूमर्स चाइना फैला रहा था कि उसके रिजर्व्स वो स्ट्रेटेजिकली अपने रिजर्व से मेटल्स को एक्सपोर्ट करेगा सो दैट इज आल्सो क्लियर सो अभी ये एडवांटेज है जे स्टील के लिए जे स्टील विल बी माय फर्स्ट चॉइस एंड यही मेरा पहला स्टॉक है जिसमें आपको अच्छा खासा कल प्रॉफिट बुक हो सकता है और अगर ये कली टू परसेंट और थ्री परसेंट ऊपर ही खुल जाए तो आपको ये ट्रेड अवॉइड करनी है आपको वेट करना है प्राइज एक्शन का अगर आपको सही प्राइज एक्शन मिले तो उस पर आपको शॉर्ट सेल भी करना होगा जे स्टील को सो गाइज ट्रैक कीजिएगा जेएसडब्ल्यू स्टील को 720 में लीजिए 709 का स्टॉप लॉस फर्स्ट टारगेट आपका बैठेगा 730 का सेकंड टारगेट विल बी 745 सेवन फोर्टी फाइव दिसग टारगेट जे एस डब्ल्यू स्टील टुमारो प्लीज ट्रैक दिस स्टॉक माय सेकंड पिक विल बी सन फार्मा सन फार्मा विल बी माय सेकंड पिक एज वी ऑल नो दैट फार्मा सेक्टर इज अंडर परफॉर्मिंग राइट सन फार्मा ने फ्राइडे के सेशन में एक क्लियर कट नेकलाइन का ब्रेकआउट दिया है इसने एंड फ्रॉम हियर आई थिंक दिस स्टॉक शुड टन हंड्रेड फाइव लेवल्स टमोारो बिकॉज फार्मा सेक्टर डजन इट्स नॉट परफॉर्मिंग वेल सिंस मंथस सो आई थिंक फार्मा सेक्टर अभी दिस विल बी ऑन द पीक दिस इज द गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन फार्मा स्टॉक्स लाइक सन फार्मा एंड कल आप इसको इंटर डे के लिए भी यूज कर सकते हो कल आप इसमें इंटर डे ट्रेड कर सकते हो एट द लेवल्स ऑफ सिक्स नाइन फाइव एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इस पे आपको बैठेगा सिक्स नाइन जीरो का आपका स्टॉप लॉस बैठेगा सिक्स नाइनटी का स्टॉप लॉस से आपको सनफार्मा को बाई करना है एट द लेवल्स ऑफ सिक्स नाइन फाइव सिक्स नाइन सिक्स एंड यू नीड टू वेट फॉर द फर्स्ट टारगेट देखिए यहाँ पे मैं टारगेट अपने मन से नहीं बनाता दिस इज द प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस जो मेरे को चार्ट पे दिख रहा है मैं वही टारगेट आपको दे सकता हूँ टारगेट्स अगर छोटा लगे पर अभी आपको इतना ही आपको लेके चलना है मार्केट्स में बिकॉज टारगेट्स मैं ज़्यादा बता दूंगा फिर आप एक्सपेक्टेशन ट्रेड को आप काटोगे नहीं फिर आप लॉग लौ, लॉस बुक कर सकते हो तो इसलिए टारगेट्स हमेशा छोटा रखो रिस्क एपिटाइट उतना ही रखो जितना आप ले सको माय सजेशन विल बी अगर आपका कैपिटल वन लैख का है किप और रिस्क एट वन परसेंट आपको वन परसेंट का रिस्क लेना है एंड वन से टू परसेंट का आपको रिवॉर्ड लेना है तो आपको टारगेट इसमें छोटा लेके चलना है 704 का मेरा फर्स्ट टारगेट होगा सन फार्मा में एंड फुल एंड फाइनल टारगेट विल बी 7010 7012 ये दो टारगेट्स के लिए आपको सन फार्मा में कल ट्रेडिंग करने की राय रहेगी विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 690 एंड द एंट्री पॉइंट वुड बी 695 सो लेट्स क्विकली चेक द थर्ड स्टॉक दैट इज रिलायंस इंडस्ट्रीज रिलायंस इंडस्ट्रीज के तो नंबर तगरे आए हैं गाइज धमाकेदार आपको क्यू फोर का रिजल्ट मैं दिखा था चलू सो दीज आर द नंबर इफ आई कैन जूम फॉर यू ऑल हाँ दीज आर द नंबर फॉर रिलायंस इंडस्ट्रीज ये बिजनेस स्टैंडर्स का वेबसाइट है मैं मनी कंट्रोल में भी देख रहा था पर डेटा वे नॉट सो क्लियर सो so यहाँ पे रिलायंस का जो नेट प्रॉफिट है इसका पैट है नाय थर्टीन थाउजेंड टू ट्वेंटी सेवन क्रोर्स का पैट और uh, क्योंकि रिलायंस का हम लोग क्वार्टर बाय क्वार्टर ही ट्रैक करते हैं तो मैं ये क्यू फोर का रिजल्ट बता रहा हूँ सो so, इसका स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट है थर्टीन थाउजेंड टू ट्वेंटी सेवन क्रोर्स का फॉर द एंडेड थर्टी फर्स्ट मार्च क्यू फोर फाइनेंशियल टू थाउजेंड विच इज अप टू वन जीरो सौ आठ परसेंट अप है फ्रॉम लास्ट ईयर्स का रिजल्ट दैट इज सिक्स थ्री फोर एट करोड एंड इस जैसे कि आपको पता है कि जियो ने बहुत सारा ऐसे uh, नए सब्सक्राइबर्स भी ऐड किए हैं एंड पी यू इज़ ऑल्सो गुड इसका जो पोस्ट पेड का जो प्लान है दैट इज़ ऑल्सो वर्किंग वेरी वेल इसने सब्सक्राइबर ऐड किए हैं और ज़्यादा एंड ऑयल टू टेलीकॉम में इस, इसका रेवेन्यू इट हैज़ रोज टू इलेवन परसेंट ड बेस्ट पीक फॉर टूमोरो रिलायंस को आपको ट्रेड करके चलना है एट इक्कीस सौ के लेवल पे आपको इस पर एंट्री लेनी है आई थिंक इक्कीस सौ से ये घूम सकता है स्टॉक बिकॉज एक शार्प फॉल uh, के बाद एक अच्छा खासा इसमें ग्रीन कैंडल है इसमें सो आई थिंक रिलायंस विल बी माई सेकेंड बेस्ट पिक फॉर टुमारो इंटरटे में इसको आप ट्रेड कीजिए इक्कीस सौ में लीजिए विद ऑफ टू थाउजेंड नाइन्टी टू थाउजेंड नाइन्टी का स्टॉप लॉस रहेगा मेरा एंड माई फर्स्ट टारगेट विल बी इक्कीस सौ चौदह एंड माई सेकेंड टारगेट विल बी इक्कीस सौ तीस एंड अगर ये इसके भी ऊपर चले जाए तो दिस विल क्रॉस इक्कीस सौ पचास के लेवल्स सो आपको इन ये तीनों टारगेट के लिए रिलायंस में आपको खरीदारी करके चलनी है बिकॉज एज वी नो कि अभी मार्केट में ट्रेंड बुलिश वापस बुल्स आर कंट्रोलिंग द मार्केट्स सो आपको ट्रेंड के साथ जाना है ना कि ट्रेंड्स के अगेंस्ट uh, आपको ट्रेंड के साथ ही जाना है अभी मार्केट में शायद कल गैप अप भी हो सकता है बिकॉज सम ऑफ द स्टॉक्स हैव डिड रियली वेरी वेल सो शायद फ्यू स्टॉक्स की वजह से मार्केट गैप अप भी हो सकता है एंड एक और चीज मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज आया था रिगार्डिंग पोजिशन कैरी फॉरवर्ड ऑफ ऑप्शंस आपको ऑप्शंस के पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं करने होते हैं इट हेज्ड आपको सिर्फ हेज्ड पोजिशन ही फॉरवर्ड करने की राय रहती है अदरवाइज नेकेट कॉल्स और नेकेट पुट अगर आप फॉरवर्ड करते हो किसी भी इंडेक्स का वो आपका सेम एज अ गैम्बल होता है गाइज डोंट बी अ जुआरी इन द मार्केट बी अ ट्रेडर बी अ इन्वेस्टर आप यहाँ ये जुआ का प्लेटफॉर्म नहीं है आपको जुआ करना है तो दे आर अमेरिया अदर एप्स जिसपे आप ऑनलाइन ये सब बहुत सारा ऐसे रमी वगैरह है वो सब में आप कर सकते हो पर मार्केट में डोंट टेक दिस एज अ गैम्बल दिस इज अ सीरियस बिजनेस मैं हमेशा बोलता हूं आपको अपना पोजीशंस हैच करके कैरी फॉरवर्ड करने की राय रहेगी ना कि आप नेकेट कोई कॉल नेकेट कोई पुट को आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो बिकॉज कल को मुझे नहीं पता किसी को भी नहीं पता मार्केट कल गैप डाउन होगा कि गैप अप सो ऑलवेज हैज योर पोजिशन एट दिस लेवल्स एंड वो मार्केट अभी रहा नहीं जहाँ अनाब शनाब दाम बढ़ जाते थे चीज़ों के uh, सिर्फ बुल रन तो बुल रन में ही बहुत सारे uh, एक दिन में स्टॉक तीस तीस चालीस चालीस परसेंट भाग जाता था पर अभी ये वक्त में बहुत ही सोच समझ के मार्केट में काम कीजिए दैट विल बी माई एडवाइस फॉर टुडे एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए